व्हाट्स एप एवरीबडी, वेलकम टू आवर चैनल IMS व्लॉग्स। तो गाइज आज है 6 जून और आज मुझे जाना है जालना, क्योंकि मेरे 7 और 9 तारीख को 2 पेपर रह गए थे, तो इसकी वजह से जाना है। तो अभी तो दोपहर में नहीं निकलूँगा मैं, अभी तो कितने बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं 11 और देखो 11 बजे व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी तो भाई मेरी लाइफ एकदम निवांत हो चुकी है, 9 साढ़े 9 बजे तक सो रहा हूँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे तैयार हो रहा हूँ। तो अभी भी जस्ट मैंने ब्रश किया है और अभी चाय पीने वाला हूँ। तो फिलहाल मेरा ऐसा सीन है कि जाने वाला हूँ मैं यहाँ से 5 साढ़े 5 बजे तक की बस पकड़ लूँगा, यहाँ से जाएंगे 4:30 बजे तक नेवा सपाटा, फिर वहाँ से बस पकड़ेंगे और निकल जाएंगे। तो अभी तो कुछ नहीं, देखते आज क्या क्या होता है। और सुबह सुबह देखो यहाँ पे है ना, उठने के बाद सबसे पहले ऐसी साड़ी बिछाई और उसके ऊपर से गेहूँ डाली है सूखने के लिए, क्योंकि यूजुअली मतलब समर में डालती है सूखने के लिए। और अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 1080p 30fps पे, तो इसके ये जो कैमरा है ना उसका थोड़ा सा यूज़ करने के बाद मैं उसके रिव्यू भी देने वाला हूँ, रिव्यू भी डालने वाला हूँ मैं मेरे चैनल पे, तो वो भी आप देख लेना। तो फिलहाल टाइगर तो नहीं है, और कल परसों है ना, परसों इतने ज़्यादा, हाँ संडे को इतने ज़्यादा तूफान आंधी आई थी ना हमारे यहाँ पे, तो सब जगह वो बिखर गया था। थोड़ा बहुत तो साफ कर लिया, देखो यहाँ से यहाँ पे सब बिखर गया था, साफ कर लिया। फिलहाल जुपिटर लगाई हमने छाया पे, और टाइगर अभी यहाँ पे सोता है, टाइगर ने अपना घर यहाँ पे बना लिया है। देखो यहाँ पे मिट्टी खोदता है और इसमें लेट जाता है, यहाँ पे। तो भाई देखो, ये देखो गाइस, ये देखो इतने बड़ी बड़ी टहनियाँ ऊपर से गिरी है, यहाँ से गिरी है टहनियाँ, ये देखो ये भी गिरी, देखो यहाँ पे, ये देखो कैसी गिरी ऊपर से ये सब। तो भाई आंधी तूफान कुछ नहीं, और जो फार्मर्स लोग हैं ना गाइस, उनका तो इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है ना, मैंने पेपर में बात में पढ़ी ना, तो किसी के पपई, किसी के तरबूज वगैरह अभी तो सीजन ही चालू है, किसी के आम सब ख़त्म हो गया, बहुत नुकसान हो गया उनका। और अभी मुझे जैसे मेरी डिग्री में एडमिशन करने वाला हो, तो डिग्री के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा, तो डिग्री के जो थर्ड सेम है ना, सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेम मतलब थर्ड सेम होता है, तो थर्ड सेम की क्लासेस लगाने पड़ेंगे, नगर को जाना पड़ेगा। मेरी तो छुट्टियाँ ही नहीं है भाई गाइस, मुझे मालूम ही नहीं मेरी लाइफ कैसी चल रही है, छुट्टियाँ इन्जॉय करने के दिनों में मैं क्लास कर रहा हूँ, देखो आप क्या बात है अभी। तो गाइस चाय रेडी है, तो चलो जाके चाय ले आते हैं। और गाइस अभी क्या है ना, अभी सब हमने है ना ऊपर के सब जो माले में जो डिब्बे रखे थे वो सब निकाल दिया, माला बेचे साफ कर दिया। और ये देखो मम्मी ने यहाँ पे अभी क्या बाहर डालने सूखने के लिए, मम्मी ने डिब्बे भी एडजस्ट धो दिए। चलो गाइस टोस्ट और चाय पी लेते हैं। गाइस वाइड एंगल अच्छा है इसका है ना, बहुत वाइड हो जाता है। तो गाइस अभी तो 12 बज चुके हैं और अभी तो मैं फिलहाल मेरे शर्ट को इस्त्री कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ मतलब। और ये देखो यहाँ पे प्रेस गर्म हो रही है, तब तक मैं अच्छे से इसे घड़ी वगैरह कर देता हूँ। तो गाइस 2 मिनट में अपनी प्रेस भी हो चुकी है, तो इसे अच्छे से घड़ी वगैरह करके बैग में रख देता हूँ। और जो जो अभी कपड़े वगैरह सामान जो भी डालना है, बुक्स वगैरह वो सब ले लेता हूँ। लैपटॉप नहीं लूँगा अभी, क्या है दो दिन जाके आना है सिर्फ, लैपटॉप नहीं लेता। तो गाइस मतलब मैं इसे बाहर आया था, तो ये जो हमारा गाँव है ना भेंडा, तो इसके आपके ना एक खास बात बताता हूँ। अभी तो चलो देखो, अभी है ना जून का महीना चालू है, मई जून पिछली बार मई था, तो इतने धूप में तब आपको मालूम है मई जून के महीने कैसे रहते हैं, इतनी ज़्यादा धूप रहती है, तब भी देखो हमारे यहाँ पे पानी की कोई भी कमी नहीं है। ये देखो गाइस यहाँ पे लोगों को पीने के लिए पानी नहीं रहता, हमारे यहाँ से देखो ऐसे ऐसे आड़े निकाले और सब जगह ये जो पेड़ है ना यहाँ से लाइन में पेड़ों को पानी जा रहा है। ये देखो यहाँ पर तो कुछ ओवरफ्लो भी हो चुका है पानी, हमारे यहाँ पर किसी को भी पानी की कभी भी कमी नहीं आती, वो जो एनिमल्स को मतलब गाय जानवर उनको हो इंसानों को हो कभी भी पानी की कमी नहीं आती। अभी ये जो हमारे चौल है ना मतलब क्वार्टर्स यहाँ पे, यहाँ पे भी कभी भी पानी की हमारे पूरे गांव में कभी भी पानी की कमी नहीं आती गाइस। अभी देखो टाइगर यहाँ पे बैठ जाएगा, टाइगर भाई कड़ा गाइस, टाइगर देखो यहाँ से ना भीग के आता है अंदर, हम उसे फिर अंदर नहीं लेते क्योंकि वो सब फ्लोर ख़राब कर देता है, हमारी फर्शी ख़राब कर देता है। टाइगर बैठ गया, टाइगर बैठ गया है, उठ 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 भिजू नहीं तो उठ भाई। ये देखो ये बछड़ा मेरे पास आ गया है, डर रहा है लेकिन मेरे से, आ जाओ पियो पानी पियो। ये जो है ना ये वो बड़ी वाली टंकी है, यहाँ से सब हमें ना पानी पुरौटा होता है, तो टंकी के यहाँ का वॉल थोड़ा सा खोल दिया तो यहाँ से सब जगह पानी जा रहा है। तो भाई अभी दोपहर के 3 बज चुके हैं और थोड़ी देर बाद मैं निकल जाऊँगा, 4 साढ़े 4 बजे तक निकल जाऊँगा घर से। और टाइगर देखो कहाँ पर बैठे, आपको दिखा तो एक बार रुको। और ये देखो यार ये मैंने ही खींचा था तो इसलिए ये टेढ़ा हो गया है,
क्योंकि क्या है ना, दोपहर में धूप ऐसे ऐसे वहाँ पे जाती है और यहाँ पे छाया आ जाती है। टाइगर देखो गाइस, पूरा पानी में भर के आया टाइगर पूरा। ये देखो नीचे बैठा है, ये देखो अंदर। तो भी क्या है ना गाइस, कूलर में पानी खत्म हो गया तो मुझे डालना पड़ेगा। छकुली तो गई क्लास, छकुली का भी 10 चालू है ना, तो उसकी क्लासेस शुरू हो गए, तो वो गई अकेले क्लास जुपिटर लेके पहली बार स्टैंड पर। गाइस ये टाइगर है ना, वापस से वो जो पानी, अभी पानी बहना बंद हो चुका है, उसमें जाके बैठ गया। क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे जो मिट्टी खोद के जहाँ पे बैठता है ना, उस जगह पे है ना धूप आ गई, इसलिए वो वहाँ पे चला गया वापस से। मैंने अभी उसे लाया था अंदर, लेकिन फिर भाग गया। ये देखो यहाँ पे उसकी जो जगह है ना, यहाँ पे धूप आ गई थी तो इसलिए उठ के भाग गया। गाइस यार अच्छा वाला सोने वाला था, लेकिन लाइट चली गई यार। इतनी गर्मी में अगर लाइट चले जाए ना तो इतना बुरा हाल होता है ना। तो गाइस अभी 4:30 बज चुके हैं और पापा भी आ चुके हैं, वो ही मुझे छोड़ने वाले हैं नेवा सपाटा। तो अभी तो मैंने सिर पे कुछ ऐसा बांधा है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है गाइस बाहर। और तो भाई चलो चलते हैं। अभी तो मैं 5 बजे मुझे डायरेक्ट गाड़ी है यार, इस पर धूल बैठ गई। तो गाइस अभी 5 बज चुके और नेवा सपाटा तो आ गया मैं, पापा भी चले गए। तो अभी देखते हैं, अभी तक तो गाड़ी आई नहीं, कंप्लीट 5 बज चुके हैं। यूजुअली इसी टाइम में आती है, 5 बजे तक ही गाड़ी आती है, डायरेक्ट गाड़ी ना जालना की। तो डायरेक्ट अगर मिल जाए तो अच्छा, नहीं तो यहाँ से संभाजनगर जाओ, फिर वहाँ से बदलो, दिक्कत हो जाती है। अभी देखते वेट करते हैं यहाँ पे, तब देखते कब तक आती है गाड़ी। गाइस ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ, 5:10 हो चुके हैं लेकिन अभी तक गाड़ी नहीं आई, पता नहीं कब आएगी। गाइस एक आ गई कोई, तो भी दिख रही है एक गाड़ी आ गई, तो अभी शायद वो डायरेक्ट गाड़ी हो, नहीं होगी तो चलो फिर से संभाजनगर तो जाना ही पड़ेगा। और गाइस व्लॉगिंग करना, मतलब मैंने बहुत बार बोला है, इतने सारे लोग देख रहे हैं ना, लेकिन चलो कुछ नहीं, अभी ये कॉम्पैक्ट है ना कैमरा, तो इतना भी नहीं किसी को पता चल रहा कि क्या है, कुछ नहीं। मोबाइल है ना, तो मोबाइल वो दिखता है ना। गाइस दो गाड़ी आई थी लेकिन वो डायरेक्ट नहीं थी, वो संभाजनगर की थी। मैं छोड़ दो, इनसे भी नहीं गया मैं। तो गाइस मैंने मसाला दूध तो पी लिया, उसे कई जगह पे पारा भी कहते हैं, यहाँ पे पारा से फेमस है, लेकिन हमारे भाग में ना मसाला दूध कहते हैं। तो अभी यहाँ से रूम तो कुछ भाई 1.5 किलोमीटर दूर है। तो गाइस मैं जा रहा था रूम की तरफ, तो रास्ते में वो मिल गया, तो एक खिली उसको पकड़ा दी क्योंकि मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। तो भाई बहुत थक चुका हूँ भाई, वहाँ से रोड से यहाँ तक आने में ना इतना कंटाला आता है ना गाइस, सच्ची बता रहा हूँ। रूम पे चलते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं, सो जाते हैं, कल पेपर है ना। तो गाइस फाइनली रूम पे पहुँच गया हूँ और ये है हमारी 5th सेम वाली रूम। हमारी अभी की रूम जो थी ना वो इसके नीचे थी, नीचे वाले फ्लोर पे, तो हम 5th सेम पे यहाँ पे रहते थे और 6th सेम में हमने नीचे रूम की थी। तो ऐसे कुछ रूम यहाँ पे देखो पड़ा है, ऐसे यहाँ पे मैं सोता था। यहाँ पे तो ये यहाँ पे जो गद्दे वगैरह बिछाए है, लड़के गए घर पे, छुट्टियाँ चालू है ना। और ये रही किचन, तो भाई बहुत थक गया हूँ, जल्दी से मुँह हाथ पैर धो लेता हूँ। तो गाइस मैं तो फ्रेश हो गया हूँ, अभी चलो डिब्बा खाने के लिए अभी तो चलो खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। ओम ने भी घर से डब्बा लाया है और मैंने भी डब्बा लाया, मम्मी ने दिया है। तो भाई तो गाइस भूख लगी है, जल्दी से खा लेते मेरा यहाँ पे ओम। गाइस मैं तो आ गया नीचे, ओम पता नहीं कहाँ है, चलो यहाँ पे वेट कर लेते उसका। वैसे गाइस पहले हमें ना उस वाले देखो जो खिड़की है ना वहाँ पे रहते थे, फिर हम यहाँ पे ऊपर रहने के लिए आ गए। आपने वो हम जब नांदेड़ गए थे ना गाइस, नांदेड़ का आप जो व्लॉग डाला है मैंने, वो जो रूम है ना वो यही वाली रूम है, फिर उसके बाद ऊपर रहने के लिए गए थे। ऊपर शायद मैंने कभी व्लॉग ही नहीं किया, अपलोड भी नहीं किया, मतलब व्लॉग किया ही नहीं तो अपलोड कहाँ से करूँगा। तो चलो फिलहाल यहीं पर टहलते इस वाले रोड पर। गाइस हम जब 5th सेम में थे ना तो इसके फाउंडेशन चालू थे, हमने इसके फाउंडेशन देखी थी और फुटिंग की वजह से बहुत सारे जोक भी निकले हमारे रूम पे, वो मैं फुटिंग नाश्ता। और गाइस अभी देखो भाई 2nd फ्लोर चालू गया है इसका। तो गाइस अभी स्प्राइट कैंसल और एक 10-10 रुपये की जीरा ले लेते, जीरा जो रहती है ना, वो जीरा नहीं क्या, वो सोडा जीरा के कुछ तो रहता है, अच्छा लगता है टेस्ट में वगैरह और स्वास्थ्य में, मतलब अच्छा भी रहता है जीरा। तो भाई अंधेरा पड़ गए, ऐसे घूम जाता हूँ। तो हाँ भाई जीरा ले लेते, चलो यहीं पे पीछे दुकान है तो चलो। तो गाइज मैंने एक जीरा लिया है और इसने कहा कि इसे फ्रूटी भी नहीं है, और ये फ्रूटी भी नहीं है गाइज, ये 10 रुपये का कुछ तो जूस करके JSS ऐसे कुछ भी बच्चों जैसे पीते हैं गाइज, मैंने तो जीरा लिया है अच्छे से। सो गुड मॉर्निंग गाइज, तो
तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और कल रात को मैं वीडियो एडिट करने भूल गया था, सॉरी वीडियो एडिट करने भूल गया था। हम ऊपर आए तो आने के बाद सीधा सो ही गए। तो अभी 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 जस्ट रेडी हुआ और अभी जाना है कॉलेज क्योंकि आज पेपर है 10 बजे। तो अभी थोड़ी देर बाद निकल जाएंगे, तो अभी गाड़ी नहीं है तो अभी रिक्शे से जाना पड़ेगा। तो गाइस चलो वीडियो एंड कर ले। तो उम्मीद आपको पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर। 8 ही बजे गए लेकिन धूप देव कितनी तेज़ है, मेरे सीधा आँख में जा रही है।